साहब से सवाल है मेरा। देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव करीब है और विपक्ष के जो लोग हैं विकास की मानो तो झारखंड सरकार गंगा बहाते जा रहे हैं विकास के मामले में, लेकिन विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है कि किस तरह से इनको हम नीचे दिखाने का प्रयास करें, इनके दमखम को तोड़ने का प्रयास करें। इसमें आपका क्या कहलाता है सर? क्या लगता है कि विपक्ष इसमें कुछ रुख को मोड़ने के लिए झारखंड सरकार को दबाने का प्रयास कर रही है, उसमें सफल हो पाएगी क्या? आरोप लगाया जा रहा है सर, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो उसमें कोर्ट याचिका दायर किया जा रहा है, अभी फिलहाल जो इंटरनेट बंद है उस पर सवाल किए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष का ये क्या निशाना चल रहा है? या कल और आज इंटरनेट बंदी का 6.5 लाख बच्चों का भविष्य नहीं है। सरकार हर वो संभव प्रयास करेगी जिस प्रयास से परीक्षा कदाचार मुक्त हो और योग्यता को उसका आधार मिले। अब रह गया सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता इसका विरोध कर रहे हैं उनको ये जवाब देना चाहिए कि आज से 6 दिन पहले असम में जब परीक्षा हो रही थी तो इसी हेमंत बिस्वर्णम ने वहाँ पर इंटरनेट बंद किया, राजस्थान में जब परीक्षा हो रही थी राजस्थान में इंटरनेट बंद किया गया। का स्वागत है, आज बहुत ही खुशी की बात है, गिरिडीह जिले के गिरिडीह प्रखंड के जसपुर पंचायत में हमारे सदर विधायक यानी सुदीप कुमार के द्वारा तेलरखा से मोटरखा तक का रोड का शिलान्यास किया जा रहा है। बहुत ही इस ग्रामीणों के लिए खुशी का माहौल है, आवागमन में परेशानी जो होती थी वो बिल्कुल अब नहीं होगी और जितना जल्द हो इसका कार्य को शुरू किया जाएगा। आज हमारे गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार के द्वारा इसका शुभारम्भ किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग आठ प्रमंडल गिरिडीह ग्राम मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गिरिडीह प्रखंड मडरखा से तेलरखा तक पथ निर्माण कार्य का शुभारंभ श्री सुदीप कुमार माननीय विधायक के कर कमलों द्वारा एवं श्री चंद्र प्रकाश चौधरी माननीय सांसद गिरिडीह एवं डॉक्टर सरफराज अहमद माननीय राज्यसभा सांसद झारखंड, जिसमें से दो चंद्र प्रकाश चौधरी जी और डॉक्टर सरफराज अहमद की उपस्थिति नहीं है लेकिन हमारे बीच अभी उपस्थित हैं गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार। बहुत ही अच्छे तोहफा ग्रामीणों के लिए दिए हैं, आइए हम जानते हैं अपने विधायक जी से, उनके बातों को समझते हैं सुनते हैं, ग्रामीणों के लिए जो वो तोहफा दिए हैं कितना लाभदायक है और क्या कहना चाहेंगे हमारे विधायक जी इस रोड के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर के। पहले सर आपको सफर सच के प्लेटफार्म में स्वागत है, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर, ग्रामीणों को क्या जनादेश देना चाहेंगे? बहुत दिन से ग्रामीण यहाँ पर जो है वो रोड के कारण बहुत व्याकुलता से लोग आवागमन करते थे, आज उन लोगों के लिए बड़ा सुनहरा पल है, देखने को मिलेगा और देखने को मिला भी है कि हमारे गिरिडीह के जो विधायक जी हैं वो हमारे मौजूद अभी उपस्थित हैं और रोड का शिलान्यास किए हैं। जनता को आप क्या जनादेश देना चाहेंगे सर, थोड़ा बताने का कष्ट करें। चलिए, संपर्क पथ बेहतर हो तो लोगों का आवागमन आराम का होता है। इसी क्रम में हम लोगों ने मटरखा से तेलरखा तक लगभग 1.5 किलोमीटर की लंबाई का ये सड़क है, प्रकलित राशि लगभग 1,47,00,000 है। बस हम इतना ही कहेंगे कि हम देखने के लिए काम की गुणवत्ता को नहीं आ सकेंगे। आपके माध्यम से यहाँ उपस्थित जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सजग जागरूक जनता है, उनको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सड़क की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखिएगा। सड़कें बड़ी तकलीफ़ से बनती हैं और बहुत दिनों बाद बनती हैं, ये सड़क अगर बन रही है तो गुणवत्तापूर्ण बने और टिके, जिसका लाभ आने वाले दिनों में लोगों को हो सके। सदर विधायक जी के द्वारा अच्छा आश्वासन दिया गया ग्रामीणों के द्वारा, और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर देखा जाता है संवेदक के द्वारा जो कार्यशैली रहता है वो बहुत ही बदतर और ख़राब स्थिति रहता है। अभी तो यहाँ सर ने समझाया, इन बातों को ध्यान में रखते हुए संवेदक को ग्रामीण क्षेत्र में काम करना चाहिए, जिस तरह से सड़क का विकास हो, जो बढ़िया जिस तरह से उसकी मजबूती हो सके उस तरह से उसका कार्य होना चाहिए। सर एक छोटा सा आपसे सवाल है मेरा, देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव करीब है और विपक्ष के जो लोग हैं विकास की मानो तो झारखंड सरकार गंगा बहाते जा रहे हैं विकास के मामले में, लेकिन विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है कि किस तरह से इनको हम नीचे दिखाने का प्रयास करें, इनके दमखम को तोड़ने का प्रयास करें। इसमें आपका क्या कहलाता है सर? क्या लगता है कि विपक्ष इसमें कुछ रुख को मोड़ने के लिए झारखंड सरकार को दबाने का प्रयास कर रही है, उसमें सफल हो पाएगी क्या? देखिए, जनता की अदालत में फैसला है। हम अपने विधानसभा की बात करें तो 100 से ज़्यादा सड़कों को हमने बनाया है, पिरटान और गिरिडीह सदर प्रखंड की छूटी हुई सड़कों को हमने बनाया है, और अगर काम हमने किया है तो वो जनता को दिख रहा है। विपक्ष के जो दावे हैं उसका मूल्यांकन जनता करेगी और जनता जनार्दन है, जनता ही तय करेगी कि फिर कौन विधायक की कुर्सी पर बैठेगा और कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। जनता की अदालत में चलिए, फैसला वही होगा। ऐसे सर बार बार आरोप लगाया जा रहा है सर, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो उसमें कोर्ट याचिका दायर किया जा रहा है, अभी फिलहाल जो इंटरनेट बंद है उस पर सवाल किए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष का ये क्या निशाना चल रहा है?
देखिए, मैया सम्मान योजना में झारखंड की 50 लाख महिलाओं को एक सम्मान राशि हेमंत बाबू की तरफ से प्रदान की गई। कोर्ट में याचिका दायर करके उस योजना को रोकने का प्रयास किया गया। ये जुदा मसला है कि कोर्ट ने उसको गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जिन लोगों की मंशा झारखंड की माँ बहनों को मिलने वाली सम्मान राशि से वंचित करने की थी, वह मंशा तो स्पष्ट हो गई। और माँ बहनों को भी ये समझ में आ गया कि अगर ये सम्मान राशि हेमंत सोरेन देना चाहते थे तो इसमें रोड़े अटकाने वाले लोग कौन हैं। और दूसरा सवाल जो आपने किया कल और आज, इंटरनेट बंदी का, 6.5 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर है। सरकार हर वो संभव प्रयास करेगी जिस प्रयास से परीक्षा कदाचार मुक्त हो और योग्यता को उसका आधार मिले। अब रह गया सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता इसका विरोध कर रहे हैं उनको यह जवाब देना चाहिए कि आज से 6 दिन पहले असम में जब परीक्षा हो रही थी तो इसी हेमंत विश्वकर्मा ने वहाँ पर इंटरनेट बंद किया। राजस्थान में जब परीक्षा हो रही थी राजस्थान में इंटरनेट बंद किया गया। सरकारें कदाचार रोकने के लिए सारे हर संभव प्रयास करेंगी और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका विरोध करके विद्यार्थियों के नहीं उन कदाचारियों के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं जो परीक्षा का पेपर लीक करते हैं और छात्रों के भविष्य से उनकी योग्यता से खिलवाड़ करते हैं। सरकार ने यह कदम उठाया है कि 6.5 लाख बच्चे अपनी योग्यता के आधार पर परीक्षा दें और जो योग्य होंगे उनका चयन नौकरी के लिए हो, चाहे विपक्ष कुछ भी बोले। हेमंत बाबू ने जब घोषणा कर दी कि 2 दिन CGL की परीक्षा में इंटरनेट बंद रहेगा तो बंद रहेगा और कदाचार मुक्त परीक्षा होगी, योग्यता का सम्मान होगा। और ये बात भी झारखंड के तमाम विद्यार्थी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विद्यार्थियों के पक्ष में खड़े हैं या सेटिंग करके पेपर बेचने वालों के पक्ष में खड़े। धन्यवाद सर। हमारे गिरिडीह विधायक का साफ कहना है कि जो भी प्रति आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के खिलाफ, हमारे झारखंड सरकार के विरुद्ध में जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वो बिल्कुल हम उस पर कुछ स्पष्टीकरण देना नहीं चाहेंगे। वो जनता खुद विचार करेगी कि आने वाले चुनाव में गद्दी पर कुर्सी पर कौन राज करेगा। आइए तब तक ग्रामीणों का यहाँ माहौल है, चुनाव का जो सभा है वो चलते रहेगा, ग्रामीणों से जानने का प्रयास करते हैं क्या उनके पास हर्षो उल्लास और ग्रामीणों से जानने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे गिरिडीह के विधायक ने रोड का शिलान्यास किया और इसके बाद यहाँ ग्रामीण उपस्थित है। आइए पंडित जी से ही जानेंगे क्या पंडित जी, आपके ग्राम में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड का शिलान्यास किया गया, आपको खुशी है ना इस योजना को लेकर के? हाँ खुशी है। क्या ये कहाँ से कहाँ तक ये रोड गांव को, किस गांव से किस गांव को जोड़ेगी और क्या आवागमन में सुविधा होगी गांव के जनता को, आप बताने का काम करें? तेलगखा से मठुरखा तक मार्ग में। मार्ग में, हाँ। चलिए, और आप भाई साहब, रोड बन रहा है आपके गाँव में, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सब ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। आप बताइए चाचा, ठीक है, रोड बन रहा है आपको कैसा लग रहा है? जनता के लिए बहुत भविष्य, मैंने भविष्य के लिए बहुत बढ़िया हो रहा है। आवागमन में बहुत तकलीफ होती थी, रोड बनने के बाद सुविधा हर तरह का हुआ। चाचा का कहना है कि बहुत पहले दिक्कत होता था,